हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट चैनल। दोस्तों, आज मैं फिजिकल एजुकेशन कोर्स कम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंतर्गत नए चैप्टर यानी कि स्वास्थ्य शिक्षा एवं पोषण यानी हेल्थ एजुकेशन एंड न्यूट्रिशन एंड रोग यानी कि डिजीज चैप्टर को शुरू कर रही हूँ, जिसमें से आप इसमें इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि स्वास्थ्य क्या है एंड बैलेंस डाइट क्या है, पोषण क्या है, पोषण के अंतर्गत कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लेवल, जल, इसके बारे में पढ़ेंगे एंड विभिन्न रोग क्या हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आज मैं इसके अंतर्गत शुरू से शुरुआत कर रही हूँ, जिसमें आज मैं इस वीडियो में हेल्थ क्या है, हेल्थ की परिभाषा क्या है, हेल्थ के आयाम क्या है यानी स्वास्थ्य के आयाम क्या हैं, और इसके स्वास्थ्य शिक्षा क्या है और इसके उद्देश्य क्या क्या है, इसके बारे में जानेंगे। दोस्तों, वीडियो लंबा हो जाएगा, शुरू से लास्ट तक देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और जितने भी वीडियो आगे आएंगे हेल्थ एजुकेशन के अंतर्गत, सभी के सभी वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट होंगे, एक भी वीडियो आप स्किप मत कीजिएगा दोस्तों, नहीं तो कई नंबर आपके छूट जाएंगे। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं, जानते हैं कि स्वास्थ्य क्या है यानी हेल्थ सही माने में है क्या, या हम जो समझते हैं कि स्वास्थ्य क्या है वही स्वास्थ्य है या कुछ और स्वास्थ्य है। ठीक है, इसके बारे में हम विभिन्न विद्वानों के अनुसार दिए गए परिभाषाओं से स्पष्ट करेंगे कि आखिर में स्वास्थ्य है क्या, आखिर में हम किस व्यक्ति को स्वस्थ मानेंगे, इसको हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने स्वास्थ्य यानी हेल्थ के बारे में क्या परिभाषा दी है। WHO के अनुसार स्वास्थ्य शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक रूप में पूरी तरह ठीक रहने का नाम है। केवल बीमारियों से दूर और शारीरिक रूप से ठीक रहने के ही व्यवस्था स्वास्थ्य नहीं है। इनके कहने का यानी WHO के कहने का मतलब है दोस्तों कि आप आम धारणा में कहते हैं कि उसको, उस व्यक्ति को कोई बीमारी नहीं है, वह स्वस्थ है, लेकिन WHO नहीं कहता है ऐसा। वह कहता है कि केवल बीमारी से दूर रहना स्वस्थ नहीं है, वह शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से भी ठीक हो तभी वह स्वस्थ माना जाएगा। यानी शारीरिक रूप से कोई रोग न हो, मानसिक रूप से उसको कोई चिंता न हो, भय न हो, और सामाजिक रूप से समाज में सामंजस्य स्थापित कर लेता हो, तो उसी को हम कहते हैं कि वह एक व्यक्ति स्वस्थ है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे WHO के अनुसार क्या है। एंड हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार स्वास्थ्य यानी हेल्थ की परिभाषा है कि अच्छा जीव होना जीवन की सफलता के लिए अच्छी बात है तथा अच्छे जीवों पर ही देश की समृद्धि निर्भर करता है। ठीक है, तो अच्छा जीव होना, स्वस्थ रहना तो जीवन की सफलता के लिए अच्छी बात है ही, और अच्छे जीव पर ही देश की समृद्धि निर्भर करता है, आपकी भी समृद्धि निर्भर करता है। आप स्वस्थ रहेंगे तभी तो आपकी समृद्धि होगी। ठीक है, ये परिभाषा है आपका हर्बर्ट स्पेंसर। ठीक है, हर्बर्ट स्पेंसर की। ठीक, तो अच्छा जीव शब्द या देश की समृद्धि शब्द आए तो जान लीजिए कि यह हर्बर्ट स्पेंसर का है। की पॉइंट ढूंढिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है JF विलियम्स। नेक्स्ट परिभाषा है JF विलियम्स की। JF विलियम्स क्या कहे हैं स्वास्थ्य यानी हेल्थ के बारे में। इनके अनुसार है कि स्वास्थ्य जीवन का वह गुण है जो व्यक्ति को अधिक सुखी ढंग से जीवित रहने तथा सर्वोच्च रूप से सेवा करने के योग्य बनाती है। तो दोस्तों, इस परिभाषा में आपको की पॉइंट पकड़ना है कि JF विलियम्स के अनुसार स्वास्थ्य की क्या परिभाषा है। तो इनके अनुसार है कि स्वास्थ्य जीवन का वह गुण है जो व्यक्ति को अधिक सुखी ढंग से जीवित रहने तथा सर्वोच्च रूप से सेवा करने योग्य बनाती है। ठीक है, अधिक सुखी ढंग से जीवित रहना और जीवन का वह गुण, ठीक है, अधिक सुखी ढंग से जीवित रहना और सर्वोच्च रूप से सेवा करने योग्य, इस शब्द को आपको पकड़ना है, इस शब्द को कहे हैं JF विलियम्स ने। नेक्स्ट परिभाषा है स्वास्थ्य की ट्रेवर का। इनके अनुसार स्वास्थ्य व्यक्ति की वह स्वस्थ स्थिति है जिसमें शरीर और मन सामान्यतः सक्रिय होकर सभी कार्य करते हैं। तो दोस्तों, इसमें ट्रेवर ने कहा है कि स्वास्थ्य व्यक्ति की वह स्वास्थ्य स्थिति है जिसमें शरीर और मन
समानता सक्रिय होकर सभी कार्य करते हैं, ठीक है। शरीर और मन का सक्रिय होकर कार्य करना बताया है ट्रेवर ने, इसको याद रखिएगा, शरीर और मन का सक्रिय होना स्वास्थ्य है, इस बात को कहे हैं ट्रेवर ने, ठीक है, की पॉइंट पकड़िएगा। नेक्स्ट परिभाषा है जॉन लॉक का, ठीक है, जॉन लॉक का परिभाषा है कि स्वस्थ मस्तिष्क स्वस्थ शरीर में ही रह सकता है, ठीक है, स्वस्थ मस्तिष्क स्वस्थ शरीर में ही रह सकता है। ए साउंड माइंड कैन लिव ओनली इन ए साउंड बॉडी, यानी स्वस्थ मस्तिष्क स्वस्थ शरीर में ही रह सकता है, इस बात को कहे हैं जॉन लॉक ने, ठीक है। स्वस्थ मस्तिष्क स्वस्थ शरीर में ही रह सकता है, जबकि अरस्तु ने क्या कहा है दोस्तों कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। इन दोनों परिभाषाओं में आप डिफरेंट समझिएगा दोस्तों। जॉन लॉक कहे हैं कि स्वस्थ मस्तिष्क स्वस्थ शरीर में ही रह सकता है, बात वही है बट कहने का तरीका दूसरा है, ठीक है। जॉन लॉक कहे हैं कि स्वस्थ मस्तिष्क जो है स्वस्थ शरीर में ही रह सकता है, जबकि अरस्तु ने कहा है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। तो इन दोनों में कन्फ्यूजन मत होइएगा, ठीक है। जॉन लॉक कहे हैं कि स्वस्थ मस्तिष्क स्वस्थ शरीर में ही रह सकता है, बात वही है, और अरस्तु ने कहा है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क रहता है, ठीक है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, ठीक। ए साउंड माइंड इन द साउंड बॉडी कहे हैं अरस्तु ने। नेक्स्ट परिभाषा है मेरी बेकर का, इनके अनुसार स्वास्थ्य वस्तु अवस्था न होकर मानसिक अवस्था है, ठीक है। मेरी बेकर के अनुसार स्वास्थ्य जो है वस्तु अवस्था न होकर मानसिक अवस्था है, यानी कि वो मानसिक अवस्था को ही मुख्य मानते हैं। नेक्स्ट परिभाषा है टोलमर व एसलिंगर का, नेक्स्ट परिभाषा किसका है, टोलमर व एसलिंगर का। इनके अनुसार स्वास्थ्य वह मानसिक व शारीरिक स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपने शारीरिक अंगों के माध्यम से अपने पर्यावरण में अच्छी तरह ढल कर अच्छा काम कर सकता है, ठीक है। तो पर्यावरण में सामंजस्य करना, ठीक है, ये बात कहे हैं टोलमर व एसलिंगर ने। नेक्स्ट है परिभाषा सिद्धलिंगैया का, इनके अनुसार स्वास्थ्य का लक्ष्य विकास को अधिक पूर्णता, जीवन को अधिक ओजस्वी उत्प्रवणता की अधिक सुस्त गति और मौत को अधिक दूर ले जाता है, ठीक है। क्या कहे हैं कि स्वास्थ्य का लक्ष्य विकास को अधिक पूर्णता देना, जीवन को अधिक ओजस्वी बनाना, उत्प्रवणता की अधिक सुस्त गति और मौत को अधिक दूर ले जाना ही स्वास्थ्य है। भाई आप स्वस्थ रहेंगे, अधिक दिन तक जीवित रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे तो आप में स्फूर्ति रहेगा, आपकी सुस्तता दूर हो जाएगी, ठीक है, इस बात को कहे हैं सिद्धलिंगैया ने। नेक्स्ट है डब्ल्यू ए ईगर के अनुसार, इनके अनुसार व्यक्ति के स्वास्थ्य का आदर्श बीमारियों व विकृतियों से मुक्ति ही नहीं बल्कि शारीरिक मानसिक व दैहिक संभावनाओं का अधिक से अधिक लाभ लेने की सामर्थ्य प्राप्त करना होना चाहिए। दोस्तों डब्ल्यू ए ईगर की परिभाषा में आपको की पॉइंट करना है सामर्थ्य प्राप्त करना, ठीक है, सभी चीजों में लाभ लेने की सामर्थ्य प्राप्त करना होना चाहिए, इस बात को कहे हैं डब्ल्यू ए ईगर ने, इसके इसमें आपको एक की पॉइंट पकड़ना है। नेक्स्ट परिभाषा है विश्व स्वास्थ्य संगठन की तकनीकी रिपोर्ट के अनुसार कि यह जिंदगी की गुणवत्ता है जो कि व्यक्ति को अधिक से अधिक जीने और बढ़िया काम करने की सामर्थ्य प्रदान करती है। स्वास्थ्य मानव प्राणी की वह दशा है, स्थिति है जो कि पैदाइशी एवं वातावरण के साथ जुड़े हालात के मुताबिक प्राणी के पर्याप्त ढंग के साथ विचरने का आधार बनता है। यानी कि दोस्तों इसके परिभाषा विश्व स्वास्थ्य संगठन की तकनीकी रिपोर्ट की परिभाषा में आपको ध्यान देना है कि जिंदगी की गुणवत्ता की बात कही गई है और अधिक से अधिक जीने और बढ़िया काम करने का बात कही गई है, इस की पॉइंट को आपको इस परिभाषा में पकड़ना है। नेक्स्ट परिभाषा है स्वास्थ्य की ओबर्ट इफर के अनुसार, इनके अनुसार स्वास्थ्य किसी भी प्राणी की वह स्थिति है जो एक प्राणी की समूची शक्तियों के काम करने के पैमाने को निश्चित करती है।
ठीक है, तो काम करने के पैमानों को निश्चित करना, जिसमें शब्द आए वो जान लीजिए कि ओवर टीफर का है। तो इस प्रकार दोस्तों हम समझे कि स्वास्थ्य क्या है। इन सभी परिभाषाओं से यही निष्कर्ष निकलता है कि स्वास्थ्य किसी रोग न होने के कारण, क्या आपको कोई रोग नहीं है तो आप स्वास्थ्य नहीं कहलाएंगे, आप शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से, इन सभी रूप से स्वस्थ है तभी आप स्वास्थ्य कहलाएंगे, ये हमने जाना। तो दोस्तों स्वास्थ्य क्या है इसके बारे में हमने तो जान लिया, अब हम जानेंगे स्वास्थ्य के आयाम यानी कि डिमेंशंस ऑफ हेल्थ, यानी कि स्वास्थ्य के कौन कौन से आयाम हैं। तो दोस्तों जैसा कि WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी परिभाषा में 3 आयामों को सम्मिलित किया है, लेकिन अब एक नया आयाम आध्यात्मिक यानी स्पिरिचुअल को जोड़कर अब 4 आयाम हो गए हैं। तो कौन कौन से वो 4 आयाम है, तो इसमें आपका 4 आयाम है, शारीरिक आयाम यानी कि फिजिकल डिमेंशंस, दूसरा मानसिक आयाम यानी कि मेंटल डिमेंशंस, तीसरा सामाजिक आयाम यानी कि सोशल डिमेंशंस, चौथा आध्यात्मिक आयाम यानी स्पिरिचुअल डिमेंशंस। यानी कि इन चारों रूप से आपको सही है तो आपको स्वस्थ माना जाएगा, केवल शारीरिक रूप से निरोग है तो स्वस्थ नहीं माना जाएगा, आपको शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक इन तीनों रूप से यदि आप स्वस्थ हैं, सही हैं, तो आपको माना जाएगा कि आप स्वस्थ हैं। जैसा कि WHO की परिभाषा में आपने देखा ही होगा कि उन्होंने स्वस्थ किसको माना है, जो शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ हो, केवल रोग से मुक्ति हो उसको स्वस्थ नहीं माना है। इसके अलावा एक और जोड़ा गया है इस समय, आध्यात्मिक यानी स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक रूप से भी वो स्वस्थ हो, ठीक है। तो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, ये 4 आयाम हैं आपके स्वास्थ्य के, ये ध्यान रखिएगा। कई बार ये क्वेश्चन पूछा है कि स्वास्थ्य के कितने आयाम हैं या कौन कौन से आयाम हैं, तो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, ये 4 आयाम हैं स्वास्थ्य के, यानी कि आपको इन चारों में सही है तो आपको माना जाएगा कि आप स्वस्थ हैं। अगर आपका शरीर स्वस्थ है, कोई भी रोग नहीं है, बट आप मन से, मानसिक रूप से चिंताग्रस्त हैं, ठीक है, सोच में डूबे हैं या परेशानी में हैं, या आपका दिमाग सही नहीं रहता है, तो आप बीमार हैं यानी मानसिक बीमारी है आपको, ठीक है। तो इस प्रकार से स्वास्थ्य के 4 आयाम है, इन चारों आयामों के बारे में हम जानेंगे, ठीक है। 4 आयामों के अलावा दोस्तों बहुत सारे आयाम आप जोड़ सकते हैं, जैसे संवेगात्मक आयाम यानी इमोशनल डिमेंशन, पोषक आयाम, न्यूट्रिशनल डिमेंशन, वातावरण आयाम यानी कि इन्वायरमेंट डिमेंशन, लेकिन मुख्य रूप से 4 आयाम को माना गया है। जैसा कि सबसे पहले हम जानेंगे शारीरिक आयाम यानी कि फिजिकल डिमेंशंस क्या है, यानी कि फिजिकल रूप से आपको कैसा होना चाहिए। दोस्तों फिजिकल डिमेंशंस में यह है यानी कि शारीरिक आयाम में, कि वह व्यक्ति देखने में तत्पर, यानी कि हमेशा तत्पर तैयार होना चाहिए, नहीं कि सुस्त हो, आलसी हो, ठीक है, मतलब कि स्फूर्तिवान होना चाहिए, सजग होना चाहिए, स्फूर्तिवान, सक्रिय तथा प्रतिक्रियात्मक होना चाहिए, ठीक है। शारीरिक परीक्षणों को करने के लिए व्यक्ति को प्रशिक्षित होना चाहिए, जिससे कि उसकी स्वास्थ्य या स्वास्थ्य अवस्था का पता लगाया जा सके, ठीक है। तो ये हुआ शारीरिक रूप से, तो आपको शारीरिक रूप से हर चीज में फिट होना है, ठीक। अब मानसिक रूप से स्वस्थ किसको कहा जाएगा, तो मानसिक आयाम है, तो मानसिक यानी मेंटल डिमेंशन में, जब मानो, ठीक है, जब मानव के व्यवहार में, जब मानव के व्यवहार में संतुलन हो तो मानसिक रूप से वह स्वस्थ है, ठीक है। यानी कि जब मानव के व्यवहार में संतुलन हो तो मानेंगे कि वो मानसिक रूप से स्वस्थ है। इसके अंतर्गत संतुलित कैसे माना जाएगा कि वो संतुलित है, यदि वह चिंता रहित है, पूर्ण रूप से समायोजित है, पूर्ण रूप से आत्मनियंत्रित है यानी अपने आप पर नियंत्रण है उसका, आत्मविश्वासी है, संवेगात्मक रूप से स्थिर है और प्रसन्नचित है, तो माना जाएगा कि वह मानसिक रूप से स्वस्थ है, ठीक है, मानसिक रोगी नहीं है। ये हुआ आपका मानसिक आयाम। अब हम जैसे कि दोस्तों हेडफील्ड ने मानसिक स्वास्थ्य की 3 आवश्यक बातें बताई हैं, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। हेडफील्ड ने मानसिक स्वास्थ्य के 3 आवश्यक बातें बताई हैं, कौन कौन से, पूर्ण अभिव्यक्ति, एकीकरण, सामान्य लक्ष्य और निर्देशन। तो हेडफील्ड ने पूछा जाएगा कि हेडफील्ड ने मानसिक स्वास्थ्य के कितने आवश्यक बातें बताई हैं, 3,
पूर्ण अभिव्यक्ति, एकीकरण, सामान्य लक्ष्य और निर्देशन। तो पूर्ण अभिव्यक्ति का मतलब है दोस्तों कि शारीरिक अनुकूलन हो, दृढ़ इच्छा शक्ति हो। चरित्र निर्माण के लिए पूर्ण अभिव्यक्ति अति आवश्यक होती है। कोई यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छाओं का दमन करता है तो उसका व्यक्तित्व विकृत हो जाता है, व्यक्ति का धैर्य समाप्त हो जाता है, वह निराश हो जाता है। इस प्रकार उसको पूर्ण अभिव्यक्ति होना चाहिए। एंड एकीकरण, एकीकरण का मतलब है कि मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए मनुष्य की प्रेरणाओं तथा इच्छाओं में एकीकरण आवश्यक है। व्यक्ति की जितनी मूल प्रेरणाएं होती हैं उनके कार्य तथा उद्देश्य पृथक पृथक होते हैं, उनमें पारस्परिक द्वंद्वता भी रहती है, परंतु यदि वे मूल प्रेरणाएं स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करती हैं तो मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। व्यक्ति के मन में मानसिक अशांति रहती है, यह मानसिक अशांति मानसिक रोगों को जन्म देती है, इसलिए उसमें एकीकरण आवश्यक है। एंड तीसरा आवश्यक बात बताए हैं सामान्य लक्ष्य और निर्देशन। जैसा कि दोस्तों यह मानसिक स्वास्थ्य की तीसरी अवस्था है, जब एक व्यक्तित्व के विभिन्न गुणों या विशेषताओं का हम एक सामान्य लक्ष्य की ओर नहीं मोड़ देते तथा उनमें एकीकरण नहीं हो जाता, तब तक उनमें सामंजस्य स्थापित नहीं किया जा सकता। मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए एक सामान्य लक्ष्य की आवश्यकता होती है। ठीक है, उपरोक्त विवेचन के आधार पर दोस्तों हम कह सकते हैं कि मानसिक रूप से वही व्यक्ति स्वस्थ है जो अपने लक्ष्य, अपने आदर्शों, अपने उद्देश्यों में सामंजस्य स्थापित कर सके। पूर्ण रूप से स्वस्थ वही व्यक्ति है जिसमें सभी गुण विकसित हों। ठीक है, एंड दोस्तों मानसिक स्वास्थ्य से तात्पर्य यह भी हो सकता है कि वह अंतर्द्वंद से मुक्त हो, समस्याओं तथा व्यक्तियों से सामंजस्य स्थापित करने की क्षमता हो उसके पास। ठीक है, दूसरों की भावनात्मक आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील हो, व्यक्तियों के साथ शिष्टाचार विनम्रतापूर्वक व्यवहार करता हो, स्वयं की भावनाओं पर नियंत्रण रखता हो, ये सभी बातें आपका आ सकते हैं। तो ये हमने जाना मानसिक आयाम के बारे में। दोस्तों अब हम बात करेंगे सामाजिक आयाम, यानी कि सामाजिक रूप से आपको कैसा होना चाहिए। ठीक है, सामाजिक रूप से आपको कैसा होना चाहिए। मान लो दोस्तों अगर कोई व्यक्ति अपनी पहचान किसी परिवार के संबंध में करता है तथा एक विस्तृत समाज में पहचान के योग्य हो, तो सामाजिक स्वास्थ्य की तरफ पहला कदम बढ़ाया जा चुका होता है। यह स्वास्थ्य की वह स्थिति है जिसे मनुष्य अपने चारों तरफ के सामाजिक तथा सांस्कृतिक वातावरण में अपने व्यक्तिगत बौद्धिक क्षमताओं से भाग लेकर समाज के साथ व्यवहारिक सामंजस्य बैठाना सीख जाता है। इससे योग के नियम तथा अर्थात पांच अंगों के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, जिसमें हम सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह आते हैं। दोस्तों सामाजिक आयाम के भी दो पहलू हैं, व्यक्तिगत स्वास्थ्य और लोक स्वास्थ्य। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोस्तों आध्यात्मिक आयाम के बारे में। आध्यात्मिक आयाम यानी कि स्पिरिचुअल डिमेंशन। इसके अंतर्गत दोस्तों सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर परिधान, यानी जितने भी, जैसे कि योग के अंतर्गत मैंने अष्टांगिक मार्ग के बारे में बताया है कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, योग के 8 चरण हैं। उसमें से पहला चरण जो यम है उसके अंतर्गत सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य आता है, जिसमें सामाजिक आयाम के अंतर्गत वो आ जाता है। आध्यात्मिक आयाम के अंतर्गत जो दूसरा है अष्टांगिक मार्ग का नियम के अंतर्गत सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राधान आता है, यही आपका आध्यात्मिक आयाम है। इसके अंतर्गत यानी दोस्तों जब मनुष्य की व्यक्तिगत धार्मिक क्रियाकलाप, मान्यताएं, संस्कार आदि में विश्वास को समायोजित करने की कला तथा प्रक्रिया को धार्मिक स्वास्थ्य माना जाता है। इसको योग के अंग नियम के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, जिसमें सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राधान आते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये है आपके स्वास्थ्य के 4 मुख्य आयाम, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक। इनके अलावा स्वास्थ्य के अन्य आयाम है संवेगात्मक आयाम यानी कि इमोशनल डिमेंशंस, पोषक आयाम यानी कि न्यूट्रिशन डिमेंशंस, वातावरण आयाम यानी एनवायरमेंटल डिमेंशंस। तो मुख्य रूप से स्वास्थ्य के आयाम पूछेगा तो सिर्फ 4 ही माना जाएगा। ठीक है, फिजिकल, मेंटल, ठीक है,
सोशल एंड स्पिरिचुअल, यानी कि शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक आयाम। अब ये पूछा जा सकता है कि WHO ने कितने आयाम बताए थे? WHO ने तीन आयाम बताए थे, तीन ही बताए थे। कौन? शारीरिक आयाम, मानसिक आयाम, सामाजिक आयाम। बाद में इसमें आध्यात्मिक आयाम भी जुड़ गया है। एंड इन चारों के अलावा अन्य आयाम पाए जाते हैं, जिसमें से संवेगात्मक आयाम यानी कि इमोशनल डिमेंशंस, पोषक आयाम यानी न्यूट्रिशनल डिमेंशंस, वातावरण आयाम, इन्वायरमेंटल डिमेंशन। संवेगात्मक आयाम जैसे कि संवेग, जो हमारे मन में भावनाएं उठते हैं वही सब संवेग होते हैं, जैसे कि सुख, दुख, हर्ष, खुशी, दुख, ये सब भावनाएं। जैसे कि इमोशनल डिमेंशन, जैसे संवेग से तात्पर्य ऐसी उत्तेजित स्थितियों या प्रक्रियाओं से है जो मनोवैज्ञानिक परिस्थितियों में उत्पन्न होती हैं और ग्रंथियों तथा कोमल मांसपेशियों द्वारा शारीरिक परिवर्तनों में प्रकट होती हैं। इसमें प्यार, उत्तेजना, डर, चिंताग्रस्त आदि मनोवैज्ञानिक परिस्थितियां आती हैं। ये सभी मनोवैज्ञानिक परिस्थितियां किसी के चरित्र और व्यक्तित्व को निर्देशित करती हैं तथा किसी विशेष परिस्थिति में निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित करती हैं। संवेग की स्थिति अगर सामान्य हो तो व्यक्ति अपने विवेक का इस्तेमाल करके सही कार्य करता है, अन्यथा दूसरी तरफ यदि संवेग की स्थिति सही नहीं है तो सही कार्य को भी वह बिगाड़ देता है। जैसे कि दोस्तों आपका मन शांत है तो आप अच्छा निर्णय लेंगे, आप क्रोध में हैं तो कोई भी गलत ही निर्णय लेंगे या आवेश में आकर कुछ गलत ही करेंगे। एक स्वस्थ व्यक्ति संवेगात्मक रूप से नियंत्रित होता है तो जो सही समय पर सही निर्णय लेता है। आज के युग के असंख्य लोग दिल के मरीज हैं, दिमागी मरीज हैं, क्योंकि वे संवेगात्मक रूप से सामान्य नहीं है। यानी संवेगात्मक रूप से संवेगात्मक आयाम का मतलब यही है दोस्तों कि यदि आप संवेगात्मक रूप से स्वस्थ हैं, आपका संवेदना जो भावनाएं हैं, इमोशन है, वो कंट्रोल में है तो आप सही निर्णय लेंगे, सही कार्य करेंगे। अन्य आयाम में आपका पोषक आयाम यानी न्यूट्रिशनल डिमेंशंस, यानी कि आप सही पोषण लेंगे, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा तो आप सही सोचेंगे, यानी कि पोषक स्वास्थ्य, पोषण जो है स्वास्थ्य के लिए मुख्य भूमिका अदा करता है। अगर किसी व्यक्ति को भोजन में पोषक तत्व नहीं मिल रहे तो वह अवश्य ही उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा और कई तरीकों की बीमारियां निहित हो जाएगी। कुपोषण किसी के शारीरिक और मानसिक वृद्धि में बाधा है, ठीक है। एक व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए अपने भोजन में पोषक तत्वों की संतुलित मात्रा आहार स्वरूप लेनी चाहिए, जिसमें जिसके अंतर्गत कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, जल, इन सभी का उचित मात्रा में लेना ही बैलेंस डाइट यानी कि संतुलित आहार बोला जाता है। नेक्स्ट अन्य आयाम है वातावरण आयाम यानी इन्वायरमेंट डिमेंशंस। जैसे कि दोस्तों स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले दो बड़े तत्वों में वंशानुक्रम और वातावरण आते हैं। स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले, वृद्धि विकास को प्रभावित करने वाले, कई बार ये क्वेश्चन आता है वृद्धि और विकास को सबसे ज्यादा कौन प्रभावित करता है, तो अनुवांशिकता और वातावरण, ठीक है, अनुवांशिकता एंड वातावरण, ठीक है। तो हम वंशानुक्रम को नियंत्रित करने में असक्षम है। क्या हम वंशानुक्रम को नियंत्रित कर सकते हैं? नो, मगर वातावरण को अपने ढंग से काफी हद तक नियंत्रित कर सकते हैं, क्योंकि वातावरण हमारे स्वास्थ्य पर गंभीर और हानिकारक प्रभाव डालता है। मानव स्वास्थ्य में प्रदूषण, कुपोषण, एक्सीडेंट, असामाजिक कार्य जैसे कि मदिरा, सेवन, धूम्रपान आदि का गंभीर दुष्प्रभाव पड़ता है। अगर व्यक्ति अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ न रखे तो वह कई बीमारियों से ग्रस्त हो सकता है। तो दोस्तों इस प्रकार हमने देखा कि स्वास्थ्य क्या है, उसकी परिभाषाएं क्या है, स्वास्थ्य के आयाम क्या है। तो दोस्तों इतना आप तो समझ गए होंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे दोस्तों कि आहार क्या है, बैलेंस डाइट क्या है, पोषक तत्व क्या है, इनके बारे में हम वर्गीकरण करेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए दोस्तों, और जो भी प्रॉब्लम हो मुझे कमेंट में जरूर बताइए, मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। एंड दोस्तों इस चैप्टर को पूरा करने के बाद ही इस चैप्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर MCQs होंगे उसको बताऊंगी। तो दोस्तों एक हफ्ता इसमें लग जाएगा, तो आप डेली बेसिस से जो भी वीडियो आएंगी उसको देखना ना भूलिएगा। तो दोस्तों फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का अपडेट अब तक पहुंचता रहेगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।